आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी नारायण डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। तो आइए प्रिय दर्शकों, आज हम इस लिंगो टीवी जंगोम मीडिया में बात करेंगे धनित्तर जड़ी बूटी विद्या के बारे में। धनित्तर जड़ी बूटी विद्या के बारे में बात करेंगे और इस धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में आप लोगों के लिए एक विशेष प्रकार से जड़ी बूटी को हम लेकर के आए हैं, जिसका एक विशेष प्रकार से लाभ होता है और इसका आपको अपने जीवन में उपयोग करके एक बार बिल्कुल देखना चाहिए। तो चलिए आज हम ज्यादा बात न करते हुए वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लिंगो टीवी जंगो मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हर वो आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए तो आज हम बात करेंगे तेंदू का पेड़। आप तेंदू के फल खाए होंगे, तेंदू के फल खाए होंगे और तेंदू का आप उपयोग, तेंदू पत्ता बीड़ी जो पीते हैं वो जानते हैं, तेंदू पत्ता का उपयोग बीड़ी के लिए करते हैं, बीड़ी बनाने के लिए करते हैं। तेंदू पत्ता गर्मी में सरकार के द्वारा तोड़वाया भी जाता है। तो आज हम इसी तेंदू की जो हम एक जड़ी बूटी जो लाभकारी गुण के बारे में आप लोगों के बीच में हम शेयर करेंगे, बताएंगे। तो चलिए सर्वप्रथम ये देखिए, ये है तेंदू का पौधा, और इस तेंदू का पौधा सर्वप्रथम हम इसका एक हमारी पेन पुरुखा की जो एक बहुत बड़ी इसके मान्यता भी है इस पेड़ के ऊपर। तो ये जो है पहला जो हुआ इसका जड़ का उपयोग कोई भी सर्प के काटने पर इसका जड़ का सेवन करवाइए, सर्प के विष को नियंत्रण कर देगा, खत्म कर देगा, बचा देगा। ये इसका जड़ का उपयोग होता है। दूसरी बात, इसका पत्ती का उपयोग तो आप जानते हो, इसका पत्ती का उपयोग शुगर के लिए भी करते हैं। कुछ नहीं, एक दो पत्ती को आप चबाते जाइए, शुगर की जो लेवल आपके शरीर में नियंत्रित रहेगा। तीसरी बात, इसका फल का उपयोग तो असाधारण फल के खाने के रूप में भी करते हैं और इसका जो लकड़ी का उपयोग, जो इसका जो लाठी बनाते हैं, लाठी यानी डंडा, इसका डंडा जो होता है एक तांत्रिक विधि में बहुत बड़ी महत्व रखती है। जो हमारे इसका तेंदू के लाठी के बारे में छत्तीसगढ़ के किसी भी हमारे राउत समाज के लोगों को पूछ लेना, इसका पूरा बता देंगे कि तेंदू का जो लाठी होता है, तेंदू का जो डंडा होता है, उसका उपयोग यादव लोग इसका उपयोग बहुत करते हैं, क्योंकि तांत्रिक विधि में तेंदू का लाठी का उपयोग होता है। तेंदू का जो एक चिड़चिड़ापन, तेंदू की लकड़ी को आप कभी भी आग में जलाओ तो वो चिड़चिड़ अरे जिस प्रकार से नमक को आग में डाल दो चिड़चिड़ाता है, उसी प्रकार से इसका लकड़ी चिड़चिड़ाता है। यानी इसकी पेड़ में क्या रहता है, प्रतिरोधक क्षमता। तो प्रतिरोधक क्षमता रहता है इसकी को छाल में, तो इसलिए इसका पेड़ का बहुत बड़ी महत्व होता है। प्रतिरोधक क्षमता हो, चाहे काली नजर हो, बुरी नजर हो, शत्रु की नजर हो, इस सब को ये रिटर्न करने की ये जो क्षमता होता है तेंदू की पेड़ में। और इसलिए इस तेंदू के लाठी को अधिकतर लोग अपने साथ में लेकर के चलते हैं, तेंदू के डंडा को, ताकि उनके ऊपर आने वाले जो भी शत्रुओं की जो तांत्रिक जो मंत्र है या फिर तांत्रिक जो प्रकोप है वो उनको टच ना कर सके, उनसे दूर भागे, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरी बात, इनकी जड़ का उपयोग तांत्रिक लोग घर बांधते हैं तो भी करते हैं, कोठा को बांधते हैं, जैसे गौठान जो होता है, गौठान में भी इस तेंदू की जड़ को या तेंदू के लाठी को गड़ाया जाता है। तेंदू के लाठी का उपयोग इस प्रकार से दौगन की मंत्र विद्या में भी इसका उपयोग होता है और धनित्तर की जड़ी बूटी विद्या में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आज के लिए विदा चाहेंगे और आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। इसका उपयोग बिल्कुल अपने जीवन में करके देखिए। सेवा जोहार, जय लंकेश, जय गुणवाना, जय होले राई।